नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघविंद मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी CSIR या GATE या ICMR या अदर PhD एग्जाम्स में या IIT जैम में हम लोग जाएं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चरल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और लास्ट में हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि यदि हमें कोई पॉलीपेप्टाइड दे दी जाए, अमीनो एसिड सीक्वेंस दे दिया जाए, तो क्या हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्फा हेलिक्स, जिस तरह से आप इसके नाम में ही देख रहे हैं कि हेलिक्स लगा हुआ है, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटीन भी कहते हैं, तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा इसको बेसिक पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लूँ। जब प्रोटीन लीनियर है तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और यदि उसमें से वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है तो अल्फा हेलिक्स कहते हैं। या दूसरे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बीटा प्लीटेड सीट्स भी बना सकते हैं, या फिर कुछ टर्न स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बीटा टर्न कहते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स आगे फाइनली फर्दर फोल्ड होकर के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का एडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पहले लेवल की फोल्डिंग में वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर गेन करेगी, और देन लास्ट में जब वो फुली फोल्ड स्ट्रक्चर में अपने नेटिव कन्फर्मेशन में फोल्ड हो जाएगी तो उसे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि दूसरे तरह के कोई स्ट्रक्चर है। एक ही पॉलीपेप्टाइड जब अपने फोल्डिंग स्टेप में आगे बढ़ती है, जब वो सिंथेसाइज होने के बाद फोल्ड होती है, तो पहले लेवल की जो फोल्डिंग आती है उसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और देन इसके बाद वो फर्दर फोल्ड होकर के स्टेप वाइज मैनर में एक फाइनली फुली फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, जो उसकी फंक्शनल स्टेट है उसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो प्रोटीन में कुछ कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट, या ग्लोबुलर प्रोटीन में बीटा टर्न। उसमें से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अल्फा हेलिक्स। आप ऐसा समझ सकते हैं ये कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर, ये अमाइनो टर्मिनल और ये है कार्बोक्सी टर्मिनल। तो अल्फा हेलिक्स क्या है, ये एक मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। नेचर में सबसे ज्यादा मिलने वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अल्फा हेलिक्स को हम कैसे डिफाइन करें, अल्फा हेलिक्स कैसे बने होते हैं, और देन इसके बाद हम लोग अदर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्फा हेलिक्स रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बनते हैं जब एक प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड, एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है, या ये कहें कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है। जैसा आप अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में स्पाइरल देखते हैं, प्लास्टिक का होता है, कुछ उस तरह के स्ट्रक्चर में ये फोल्ड होती है। तो अल्फा हेलिक्स इज ए रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म, जो बनता है व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू ए राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन। एक राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन में जब वो ट्विस्ट हो जाए, फोल्ड हो जाए, हम उस स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रॉड लाइक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, और पॉलीपेप्टाइड के एक हेलिकल स्ट्रक्चर की क्वाइलिंग से ये स्ट्रक्चर बना है।
ठीक है। और ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, क्यों हम राइट हैंडेड ही बार बार बोल रहे हैं। जब आप अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं तो नेचर में मिलने वाले जो कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, वो यल स्पेसिफिक होते हैं। यदि हम लोग अमाइनो एसिड्स का डिवीजन करें उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से, तो हम यल अमाइनो एसिड्स और डी अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो डी अमाइनो एसिड्स रेयर हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स यल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और यल अमाइनो एसिड से जो पॉलीपेप्टाइड बनती है, यदि वो पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर के हेलिकल स्ट्रक्चर गेन करती है, तो जनरली राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही बनता है। ठीक है, तो चलिए उसको आगे डिस्कस करते हैं। पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग ओनली यल अमाइनो एसिड्स, एक परसेप्शन आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई पॉलीपेप्टाइड केवल यल अमाइनो एसिड से बनी है तो उसका स्ट्रक्चर राइट हैंडेड ही होता है। ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर भी एडॉप्ट कर सकती। मैं अभी उदाहरण भी बता रहा हूं, कैन एडॉप्ट। यहां पर देखिए, फॉर्म व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू ए राइट हैंडेड हेलिकल कंफर्मेशन। दूसरा पॉइंट ये है, पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग ओनली यल अमाइनो एसिड, केवल यदि यल अमाइनो एसिड से, तो कैन फॉर्म बना सकती आइदर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिसेस, जैसे कि कोलेजन। कोलेजन में पाई जाने वाली जो अल्फा चेन्स हैं वो भी हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी हेलिकल हैं, उनको हम लोग अल्फा हेलिक्स नहीं कहते, वो भी हेलिकल स्ट्रक्चर हैं अल्फा चेन, और ये लेफ्ट हैंडेड होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यल अमाइनो एसिड से बनी हुई जो पेप्टाइड्स हैं, यदि वो हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करती हैं तो जनरली राइट हैंडेड ही होता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर भी एडॉप्ट कर सकती हैं। और एक बेहतर उदाहरण हमारा है कोलेजन में पाई जाने वाली अल्फा चेन्स। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि जनरली वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही एडॉप्ट करती है यदि पॉलीपेप्टाइड यल अमाइनो एसिड से बनी है, तो उसका कारण ये है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल देन लेफ्ट हैंडेड। जो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, और नेचर में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसी का नेचुरल सिलेक्शन भी है। इस वजह से नेचर में कॉमनली राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इन जनरल आपको ध्यान रखना है, यदि कोई पॉलीपेप्टाइड यल अमाइनो एसिड से बनी है तो एक जनरली परसेप्शन आपको ध्यान रखना है, बनाए रखना है कि वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही एडॉप्ट करेगी। ठीक है, तो हाउएवर राइट हैंडेड अल्फा हेलिसेस आर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल एंड ओनली प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कोलेजन मैंने आपको बताया, यहां लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिसेस भी पाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, यदि कोई पॉलीपेप्टाइड डी अमाइनो एसिड से बनती है तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी। एक पॉलीपेप्टाइड है और जिसमें अमाइनो एसिड्स, एक पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड्स पाए जा रहे हैं वो डी अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये डी अमाइनो एसिड से बनी पॉलीपेप्टाइड कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर गेन करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, पॉलीपेप्टाइड इंटायरली कंसिस्ट ऑफ डी अमाइनो एसिड्स एडॉप्ट लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये लेफ्ट हैंडेड होगा ना कि राइट हैंडेड होगा। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं कि यदि कोई पॉलीपेप्टाइड डी अमाइनो एसिड से बनी हुई है तो वो किस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यदि कोई पॉलीपेप्टाइड अल्टरनेट यल और डी अमाइनो एसिड से बनती है,
एक पॉलीपेप्टाइड अल्टरनेट एल और डी अमाइनो एसिड से बनी हुई है, तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी, उसका हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पॉलीपेप्टाइड में डी अमाइनो एसिड है, देन एल है, फिर डी है, देन एल है। जब इस तरह की कोई पॉलीपेप्टाइड हम आर्टिफिशियली बनाए तो वो कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करती है, कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जनरल क्वेश्चंस इस तरह के आते रहते हैं और आप उनका आसानी से आंसर दे सकते हैं कि यदि कोई पॉलीपेप्टाइड इंटायरली एल अमाइनो एसिड से बनी है तो वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी, यदि कोई पॉलीपेप्टाइड इंटायरली डी अमाइनो एसिड से बनी है तो जनरली वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी, और यदि कोई पॉलीपेप्टाइड अल्टरनेटिव एल और डी से बनती है तो वो कोई हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करेगी। ये अल्फा हेलिक्स है और हेलिकल टर्न जो है इसके पास है, हेलिक्स है, तो वो जाहिर सी बात है वो हेलिकल स्ट्रक्चर ही होगा। तो एक बार फिर आप समझ लें, अल्फा हेलिक्स रॉड लाइक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं और बनते हैं जब एक पॉलीपेप्टाइड एक हेलिकल स्ट्रक्चर में ट्विस्ट होती है। राइट और लेफ्ट हैंडेड का भी कॉन्सेप्ट याद रखना है और हमेशा एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है कि अल्फा कोलेजन में पाई जाने वाली अल्फा चेन्स एल अमाइनो एसिड से बनी है, लेकिन उनका जो हेलिकल सेंस है वो लेफ्ट हैंडेड है, ना कि राइट हैंडेड। अब हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं और डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है डॉट्स में अमाइनो एसिड्स को शो किया गया है, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी मैं यहाँ बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्फा हेलिक्स की क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जब कोई हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है या कोई एक पॉलीमर लीनियर पॉलीमर हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करता है तो रिपीटेड यूनिट्स आ जाती हैं स्ट्रक्चर में, जनरली हम उनको टर्न कहते हैं, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, चाहे हम लोग यदि जाएंगे सुगर्स के पॉलीमर में जाएंगे, कोलेजन वगैरह हैं सुगर के पॉलीमर्स में जाएंगे, जो स्टार्च में एमाइलोज हैं या एमाइलोपेक्टिन वगैरह हैं, जब हम वहाँ पर भी आते हैं तो वहाँ पर भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जब भी कोई हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स आ जाती हैं जिनको हम टर्न कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अल्फा हेलिक्स में एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ईच टर्न, तो हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरा पॉइंट यह आता है, यदि हम एक टर्न के लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ टर्न, तो यह होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम, 5.4 एंगस्ट्रॉम है। और यदि हम लेंथ निकालें वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड केस में यदि हम लेंथ की बात करें तो बहुत आसानी से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक टर्म की लेंथ है 5.4 एंगस्ट्रॉम और एक टर्म में मिलने वाले अमाइनो एसिड से 3.6, तो एक अमाइनो एसिड की लेंथ क्या होगी, तो 5.4 अपॉन 3.6, तो इस तरह से जो वैल्यू निकलेगी 1.5 एंगस्ट्रॉम। एक अमाइनो एसिड की जो लेंथ है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये 3.6 रेसिड्यूज ये एक टर्न को शो किया गया है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे लेंथ कितनी है, तो 5.4 एंगस्ट्रॉम जो भी हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है, और एक अमाइनो एसिड की लेंथ कितनी है, 1.5 एंगस्ट्रॉम अल्फा हेलिक्स में। हम इस वैल्यू से किसी भी प्रोटीन के अल्फा हेलिकल कंटेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल फॉर्म में है और वो इतने अमाइनो एसिड से बनी हुई है,
इतने अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में प्रेजेंट है, कुछ भी दे दिए जाए, एक्स अमाइनो एसिड दे दिए जाए, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, और इस तरह से अल्फा हेलिक्स की लेंथ निकल आएगी। हम और भी अदर तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। यदि हमें मेम्ब्रेन की जो विड्थ है उसके बारे में कोई बता दे, या हमें कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जो मेम्ब्रेन की विड्थ है वो इतनी है, 28 जो है एंगस्ट्रॉम है, या फिर 7 नैनोमीटर है, कुछ इस तरह से बता दिया जाए, और उसको क्रॉस करने में कितने अमाइनो एसिड्स का अल्फा हेलिक्स लगेगा, तब भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब यह है जो अल्फा हेलिक्स में मैथमेटिकल एप्लीकेशन है वो यहां से हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 5.4 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है। ये कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्फा हेलिक्स में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं। अल्फा हेलिक्स की जो ये प्रॉपर फोल्डिंग है, ये इसकी मेन चेन पॉलीपेप्टाइड है, मेन चेन है, हम लोग इसे बैकबोन भी कह सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन फोल्ड होकर के हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, उन अमाइनो एसिड्स की जो आर ग्रुप्स हैं वो कहां पर है। ये कॉमन क्वेश्चन है कि अल्फा हेलिक्स बनता है जब पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन एक हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्ड होती है, तो यहां बैकबोन की बात हो रही है। तो अमाइनो एसिड्स जो उस पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट हैं, उनकी आर चेन्स कहां पर हैं? तो जब ये अल्फा हेलिक्स बनेगा, यदि हम अल्फा हेलिक्स को ऊपर से देखें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। यदि हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये अंदर एक स्पेस नजर आ रहा है, ये अल्फा हेलिक्स की वॉल है। क्या अमाइनो एसिड्स अंदर, अमाइनो एसिड्स की जो आर चेन्स हैं, क्या वो अंदर की तरफ आकर के स्टैक्ड हो जाती हैं? जैसे हम लोग डीएनए में देखते हैं नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ आकर के स्टैक्ड हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, क्या उसी तरीके से अल्फा हेलिक्स में जो आर ग्रुप्स हैं वो अंदर की तरफ आकर के स्टैक्ड हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है। ये हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये अल्फा हेलिक्स की वॉल है। यदि हम फोल्डेड स्ट्रक्चर को देखें तो अंदर की तरफ जो स्पेस है वहां पर आर चेन नहीं है, बल्कि आर चेन उसकी हेलिक्स वॉल से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो अल्फा हेलिक्स से आर चेन अल्फा हेलिकल वॉल से जो हेलिक्स का सरफेस है उससे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इन अल्फा हेलिक्स आर चेन ऑफ ईच अमाइनो एसिड्स स्टैक्ड इनसाइड, क्या वो अंदर की तरफ स्टैक्ड है या प्रोजेक्टेड आउटवर्ड? तो आपको ध्यान रखना है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं, ये अंदर की तरफ नहीं होती हैं। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने रेड कलर से ये लाइन खींची है ये हेलिक्स की वॉल है, दीवार है, और इससे आर ग्रुप्स बाहर की तरफ निकले हैं। जैसे जैसे ये फोल्ड होती जाएगी आर ग्रुप्स बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अल्फा हेलिक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि अल्फा हेलिक्स में यदि एल अमाइनो एसिड्स हैं, डी अमाइनो एसिड्स हैं, तो कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। दूसरा पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, एक टर्न की लेंथ कितनी है, एक अमाइनो एसिड की लेंथ कितनी है, आर ग्रुप्स की जो पोजीशंस हैं वो क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या है और उसमें अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी कैसे है, इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक कोई स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है तब तक वो प्रॉपर अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। मैंने सबसे पहले कहा अल्फा हेलिक्स नेचर में मिलने वाले मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। यदि ये मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं तो क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या ये बहुत
कॉमनली पाए जाते हैं। तो यदि ये बहुत कॉमनली पाए जाते हैं तो ये भी सही है कि हाँ मोस्ट कॉमनली ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि इनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में अल्फा हेलिक्स ज़्यादा स्टेबल हैं। तो क्वेश्चन ये उठेगा कौन से बॉन्ड उसे स्टेबलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटीन में कभी भी यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पूछी जाए कभी भी, तो कौन से मेजर फोर्सेस हैं जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, तो आपका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं, ये प्राइमरी फोर्स है और मेजर फोर्स है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा हेलिक्स प्राइमरली स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये प्राइमरली स्टेबलाइज किया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहे हैं, दो टर्म यूज होते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर और दूसरा इंटरमोलिकुलर। इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं, जो उनके ग्रुप्स हैं उसके उनके बीच में बन रहे हों, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स का मतलब दो हेलिक्स के बारे में। तो जब एक पॉलीपेप्टाइड और दो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर, और जब एक ही पॉलीपेप्टाइड में बनेंगे तो कहेंगे इंट्रा। तो अल्फा हेलिक्स तो एक ही पॉलीपेप्टाइड का बना है, यहां दो पॉलीपेप्टाइड तो है ही नहीं, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इंट्रामोलिकुलर हैं, इंट्रामोलिकुलर। तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जबकि बीटा प्लीटेड सीट में जब हम लोग आएंगे तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर ना बोल करके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनको स्टेबलाइज करेंगे। अब ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स में जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के सी ओ और एन एच ग्रुप हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन सी ओ एंड एन एच ग्रुप्स ऑफ मेन चेन पॉलीपेप्टाइड। जब हम लोग किसी पेप्टाइड बॉन्ड को देखें तो उसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप है, और एक एमाइड हाइड्रोजन भी जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो ये जो एमाइड हाइड्रोजन है ये एक गुड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डोनेट कर सकता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। तो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड हैं पॉलीपेप्टाइड में, उन सभी के पास एक CO ग्रुप और एक NH ग्रुप है, हर एक पेप्टाइड बॉन्ड में, और यही CO और NH ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। NH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और CO ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। तो क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनेंगे, तो CO एंड NH ग्रुप ऑफ मेन चेन पॉलीपेप्टाइड, ये R ग्रुप्स के हिस्से नहीं है बल्कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का हिस्सा है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई पैटर्न है, या कोई कहीं पर भी बना सकता है? तो उसका भी एक पैटर्न है, उसको भी समझना है। तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनते हैं तो उसका एक कॉमन पैटर्न मिलता है जिसे हम लोग आई प्लस थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है, तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न आई प्लस थ्री है। इसका मतलब है CO ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ फोर्थ रेसिड्यू,
ठीक है। चौथा जो अमाइनो एसिड उसके आगे प्रेजेंट है उसके एनएच ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक अमाइनो एसिड जिसका सीओ ग्रुप है वो अपने चौथे अमाइनो एसिड आगे की तरफ जो चौथा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसके एनएच ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है, अर्थात फोर्थ रेसिड्यू अवे आगे की तरफ उसका जो चौथा रेसिड्यू है उस रेसिड्यू के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से हम इस बॉन्डिंग को पैटर्न बॉन्डिंग पैटर्न कहते हैं आई प्लस थ्री। आपको यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, आई प्लस थ्री में जो आई की पोजीशन है वो सीयू है और जो थर्ड की पोजीशन है वो एनएच, अर्थात पहला रेसिड्यू चौथे रेसिड्यू के साथ, फर्स्ट रेसिड्यू फोर्थ रेसिड्यू के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सीओ ग्रुप पहले का होगा या एनएच ग्रुप पहले का होगा, तो आपको ध्यान रखना है सीओ ग्रुप पहले अमाइनो एसिड का अपने चौथे अमाइनो एसिड के एनएच ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो सीओ टू एनएच बॉन्डिंग भी याद रखना है आई प्लस थ्री में। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है। तो यहां पर देखिए ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहां पर चौथा अमाइनो एसिड है और उसके आगे ये पांचवा अमाइनो एसिड है। यदि हम लोग इनकी बात करें तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये अपने आगे चौथे अमाइनो एसिड के साथ जाकर के क्या करता है बॉन्डिंग करता है, उसके साथ जाकर के ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से यदि हम लोग काउंट करेंगे तो एक दो तीन और चार, तो ये इसके लिए चौथा हुआ है, इसी वजह से हम लोग इसको आई प्लस थ्री प्रेजेंटेशन में रखते हैं। तो और दूसरा पॉइंट ये होता है कि यदि इस बॉन्डिंग पैटर्न को हम आगे ले जाएं तो दूसरा जो है एक जो है वो चौथे के साथ है, उसके आगे वाला उसके आगे वाले के साथ होगा, उसके आगे वाला उसके आगे वाले के साथ होगा, इसके बाद वन आफ्टर वन एक एक करके आगे बॉन्ड बनाते हुए पूरा का पूरा जो सी और एन एच ग्रुप है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा हेलिक्स जहां पर सी और एन एच ग्रुप अवेलेबल है वो सभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक बॉन्डिंग पैटर्न का कॉन्सेप्ट हो गया कि बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा। तो आई प्लस थ्री बॉन्डिंग पैटर्न होता है, पहले अमाइनो एसिड का सीओ ग्रुप, फोर्थ अमाइनो एसिड के एनएच ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है क्या सभी सीओ और एनएच ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको ध्यान रखना है अल्फा हेलिक्स में सभी सीओ और एनएच ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट टर्मिनल अमाइनो एसिड्स। ऑल CO and NH group involve in hydrogen bonding except terminal amino acid. 3 to 4 amino acids present at N-terminal और इतने ही amino acids present होते हैं C-terminal पर, ये hydrogen bonding में participate नहीं करते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो एक जनरल सा पॉइंट है क्या सभी सीओ और एनएच ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो हम लोग कहेंगे हाँ इन्वॉल्व होंगे लेकिन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स को छोड़ करके। तो आल सीओ एंड एनएच ग्रुप इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट टर्मिनल अमाइनो एसिड्स, 3 to 4 अमाइनो एसिड एट एन टर्मिनल एंड 3 to 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट एट सी टर्मिनल, इनको छोड़ करके सभी सी और एनएच ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से अल्फा हेलिक्स का जो पूरा इंटरनल पार्ट है इंड को छोड़ दिया जाए उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट ये आता है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्डिंग में दो टर्म और यूज किए जाते हैं कि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स परपेंडिकुलर होते हैं या पैरेलल होते हैं। दो टर्म यूज किए जाते हैं कि अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इसको भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परपेंडिकुलर और पैरेलल का मतलब समझ लें कुछ इस तरीके से, जैसे ये अल्फा हेलिक्स
और अल्फा हेलिक्स इस तरह से रन हो रहा है। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसी तरह से रन हो रहे हैं तो हम लोग कहेंगे ये पैरेलल है। लेकिन यदि अल्फा हेलिक्स इस तरीके से रन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ये दो अलग अलग टर्म यूज किए जाएंगे। तो यदि हम देखें तो ये एक टर्मिनल है, यदि हम लोग इसे एन टर्मिनल मान लें और इसे सी टर्मिनल माने तो अल्फा हेलिक्स इस तरीके से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है। यदि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ऊपर से नीचे की तरफ हैं। तो जिस तरफ अल्फा हेलिक्स ऊपर रन कर रहा है उसी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी रन कर रहे हैं। इस तरह इस वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन है अल्फा हेलिक्स में वो पैरेलल होता है ना कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि ये पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर ऑप्शन जब भी आएगा तो वो गलत होगा और करेक्ट आंसर होगा पैरेलल। तो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओरिएंटेशन पैरेलल होती है ना कि परपेंडिकुलर होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मेन फोर्सेस दैट स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉमन पैटर्न अल्फा हेलिक्स में क्या है तो I+3 एक अमाइनो एसिड अपने आगे प्रेजेंट चौथे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पहले अमाइनो एसिड का CO ग्रुप और फोर्थ अमाइनो एसिड का NH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अगला पॉइंट यह आता है क्या सभी CO और NH ग्रुप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा आंसर है हाँ सभी पार्टिसिपेट करते हैं केवल 3-4 टर्मिनल अमाइनो एसिड्स को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन क्या अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो हमारा आंसर आता है पैरेलल होते हैं ना कि परपेंडिकुलर। अब एक क्वेश्चन और आता है कि एक अल्फा हेलिक्स के या किसी भी अल्फा हेलिक्स जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है उसके एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 3.6 रेसिड्यू। एक टर्न की लेंथ कितनी है तो 5.4 एंगस्ट्रॉम। उसी तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक टर्न में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो ये हो सकते हैं 3-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आपको ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है किसी भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में 3-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर टर्न प्रेजेंट होते हैं, तो ये अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है अल्फा हेलिक्स कैसे स्टेबलाइज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है, क्या सभी सी और एनएस ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं और क्या टर्मिनल के सी और एनएस ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। पैरेलल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो ओरिएंटेशन है वो पैरेलल है, और एक टर्न में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स। अब अगले पॉइंट में आते हैं और डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अल्फा हेलिक्स में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा हम लोग अभी तक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्योंकि ये बहुत स्टेबल हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है क्या कोई ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो उनको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। यदि वो फैक्टर्स पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट हैं तो अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड इजिली अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन गेन नहीं कर पाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस का भी जवाब हम लोग ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स, बिल्कुल अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें से दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप या मैं सीधे सीधे लिखता हूं नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ये एक फैक्टर है, अमाइनो एसिड का नेचर क्या है। और सेकेंड फैक्टर इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड,
मैं इसको दूसरी तरफ रखता हूं। सेकेंड फैक्टर है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड हमें दे दी जाए और वो पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर गेन करेगी या नहीं गेन करेगी, या कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हमें चेक करने के लिए हमें दो फैक्टर्स पर ध्यान देना है। पहला तो हमें इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को चेक करना है और दूसरा हमें सीक्वेंस को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स को चेक करते हैं। यहां पर मैं कुछ अमाइनो एसिड्स के बारे में लिख रहा हूं। जैसे मैं एक अमाइनो एसिड लिखता हूं ग्लाइसिन। यदि पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है तो ये अमाइनो एसिड अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को एडॉप्ट नहीं होने देता है, या ये कहें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसे हम हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं, हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है। तो ग्लाइसिन अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है और अल्फा हेलिक्स डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से हम ग्लाइसिन को हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल अमाइनो एसिड। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अमाइनो एसिड है और एक जो लिमिट में इसकी पाई और साई वैल्यू होनी चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा क्या पाई और साई वैल्यूज हैं। तो -57 और -47 अल्फा हेलिक्स की फाई और साई वैल्यू होती है और इतना एक मिनिमम रेंज होनी चाहिए। ग्लाइसिन एक बहुत ही छोटा अमाइनो एसिड है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और इस वजह से एक जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अमाइनो एसिड की अल्फा हेलिक्स में, ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है और इस कारण ये अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है। एक दूसरा अमाइनो एसिड है, बहुत ही फेमस है, प्रोलीन। ये भी एक एलिफेटिक अमाइनो एसिड है जिसको हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसके पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, इसकी साइक्लिक आर चैन है। इसे भी हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं, हेलिक्स ब्रेकर। ये भी हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है और उसको डिस्टेबलाइज कराता है। प्रोलीन ऐसा क्यों करता है? तो उसके दो कारण हैं। एक तो इसकी जो आर चेन है वो रिजिड है, रिजिड आर ग्रुप। इसकी फाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, एक पहला कारण है। और जो दूसरा कारण है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी डोनेट नहीं करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी डोनेट नहीं करता है। उसका कारण आप समझ लीजिए, जब प्रोलीन इन्वॉल्व होता है पॉलीपेप्टाइड में, ये अमाइनो एसिड उसका कार्बोनिल ग्रुप और इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोलीन, तो ये प्रोलीन है और ये आगे पॉलीपेप्टाइड है। यदि हम प्रोलीन के अमाइनो ग्रुप को देखें जो पेप्टाइड बॉन्ड में इंगेज हुआ है, उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इसके पास जो एमाइड नाइट्रोजन है उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट नहीं कर पाता है। और दूसरा कारण यह है कि इसका ये फाई बॉन्ड, इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इस फाई बॉन्ड में एक तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, दूसरा इसका जो अमाइनो ग्रुप है जो पेप्टाइड बॉन्ड में अल्फा अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है उसके पास एमाइड हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी डोनेट नहीं कर सकता है। जबकि अल्फा हेलिक्स में जितने भी इंटरनल अमाइनो एसिड्स है उन सभी के सी और एनएच ग्रुप को बॉन्डिंग में जाना है, तो यहां से ये बॉन्डिंग का जो पैटर्न है उसे डिस्टेबलाइज कर देगा। इस वजह से प्रोलीन दो कारणों से अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता है। एक तो इसका रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसके फाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं है।
तो जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो नहीं मिलती है। दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट नहीं कर पाता है, इस वजह से अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता है। ये अमाइनो एसिड्स हैं, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं जो अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते। अब मैं आ रहा हूं दूसरे पॉइंट पर, सीक्वेंस पर आ रहा हूं। कौन से ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो डिस्टेबलाइज करते हैं अल्फा हेलिक्स को? यहां पर मैं कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनीन एंड सिस्टीन। यदि ये अमाइनो एसिड्स एक साथ आते हैं तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करते हैं। देखिए सीक्वेंस की बात हो रही है, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं, जहां पर भी आएंगे वहां डिस्टेबलाइज करेंगे। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से इसको स्टडी करेंगे। जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं यदि वो अलग अलग हैं तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में इजिली अडॉप्ट होते हैं और डिस्टेबलाइज नहीं करते हैं। लेकिन यदि कुछ अमाइनो एसिड्स एक साथ रिपीट हो जाएं तो अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनमें से जैसे कि एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन एंड सिस्टीन। यदि हम एस्पराजीन, सेरीन और थ्रियोनिन और सिस्टीन को देखें तो ये पोलर अनचार्ज्ड फैमिली के अमाइनो एसिड्स हैं। इनकी आर चेन पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है। इनकी आर चेन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी है और जब ये एक साथ आते हैं तो मेन चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो CO और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें इंटरफियर करने लगते हैं और इस तरह से अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन यदि एक साथ रिपीट होंगे तो ये अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सीक्वेंस हुआ। मैं यहां पर एक दूसरा सीक्वेंस रख रहा हूं। यदि किसी पॉलीपेप्टाइड में कुछ आर्जिनिन, लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, सपोज इस तरह से अमाइनो एसिड्स रिपीट हो रहे हैं एक पॉलीपेप्टाइड में, आर्जिनिन, लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन को ये पॉलीपेप्टाइड अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। उसका कारण है, इन सभी अमाइनो एसिड्स की आर चेन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इंट्रामोलिकुलर जो रिपल्सन है चार्ज का, इस रिपल्सन की वजह से वो हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये आता है, किसी भी अल्फा हेलिक्स में कोई भी पेप्टाइड सीक्वेंस यदि हमें दिया जाएगा तो हमें भी चेक करना होगा कहीं एक साथ एक जैसे चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स तो रिपीट नहीं हो रहे। यदि सेम चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स रिपीट होंगे तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन ज्यादा होगा और इस वजह से जो फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड की हेलिकल स्ट्रक्चर में वो नहीं हो पाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि लाइसिन, आर्जिनिन, या ये सीधे कहें कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स रिपीट होते हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं हो पाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन। उसी तरीके से यदि किसी पॉलीपेप्टाइड में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इस तरह से अमाइनो एसिड्स रिपीट होते हैं तो आप जानते हैं इन सभी अमाइनो एसिड्स के पास नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और इन पर भी एक जैसा चार्ज है। इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन की वजह से ये भी पेप्टाइड को हेलिकल स्ट्रक्चर में फोल्ड नहीं होने देंगे। तो यहां पर मैंने तीन सीक्वेंस लिखे हैं, आपको ध्यान रखना है। एक सीक्वेंस है जब एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन एक साथ रिपीट होते हैं तो ये हेलिकल कन्फर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते बल्कि डिस्टेबलाइज करते हैं। यदि एक साथ आर्जिनिन, लाइसिन या पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रिपीट हो जाते हैं तो इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन की वजह से ये हेलिकल कन्फर्मेशन को सपोर्ट नहीं करते। और सिमिलरली यदि निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का एक ब्लॉक है तो वो भी सपोर्ट नहीं करेगा अल्फा हेलिक्स को। यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन है। अब इन दो केसेस को थोड़ा अलग से हम लोग चेक करते हैं। यदि कोई पॉलीपेप्टाइड इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से बनी है तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर, पीएच 7.2 से 7.4 के अराउंड, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन
पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेगी। और आप लोगों को पता होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम लोग एल्केलाइन मीडियम में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो एल्केलाइन मीडियम में या एल्केलाइन कंडीशन कहें, ऐसी कंडीशन में पॉलीपेप्टाइड जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से बनी हुई है वो हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेगी। तो आपको ध्यान रखना है इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्सन की वजह से ये पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एल्केलाइन मीडियम में ले जाकर के इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पीएच 10 के ऊपर ले जाएंगे, तो ये पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेगी। उसी तरीके से निगेटिवली चार्ज की वजह से पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। यदि हम इन अमाइनो एसिड्स के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो ये पॉलीपेप्टाइड इसका भी चार्ज जो था वो न्यूट्रल हो गया, ये इजिली हेलिकल कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर लेगी। और निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का जो निगेटिव चार्ज है वो एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक एनवायरमेंट या मीडियम। तो पीएच 4 के नीचे यदि हम जाएंगे तो जैसे जैसे इसका चार्ज न्यूट्रल होगा ये हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेगी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करते हैं, ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं। तो आपको यहां पर मैं एक बार समराइज कर देता हूं, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन एंड प्रोलीन ये हेलिक्स ब्रेकर बोले जाते हैं, सीक्वेंस में आएंगे तो एस्पराजीन सेरीन थ्रियोनिन एंड सिस्टीन ये एक साथ आते हैं तो अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। और इसके साथ ही दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि एक ब्लॉक में एक साथ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन रिपीट होंगे तो फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने में इंटरफेयर करेंगे क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन ज्यादा है। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स यदि एक साथ रिपीट होते हैं तो इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन की वजह से भी हेलिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं होने देंगे। तो ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं और एल्केलाइन और एसिडिक मीडियम का भी कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक फैक्टर सीक्वेंस में और डिस्कस किया जा सकता है, जब भी हम लोग अल्फा हेलिक्स को चेक करते हैं अल्फा हेलिक्स को देखते हैं तो एक स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर और भी है, यह है यदि किसी अल्फा हेलिक्स के एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को हम चेक करें तो थोड़ा सा डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिलता है। यदि हम एन टर्मिनल पर आए तो 3 से 4 पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स और 3 से 4 नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, एक कंडीशन ये हो सकती है हम रखें। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि एक अल्फा हेलिक्स हम और बनाए और जिसके एन टर्मिनल पर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स रखे जाएं। ये दो कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी हुई है, यहां पर भी स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसे समझना होगा। जब हम किसी अल्फा हेलिक्स के एंड को देखेंगे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, यदि एन टर्मिनल एंड पर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं जैसा यहां पर है और सी टर्मिनल एंड पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं जैसा उसके सी टर्मिनल पर प्रेजेंट है, ये स्टेबलाइजिंग का फैक्टर है और ये अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि एन टर्मिनल एंड पर नेगेटिव चार्ज है और सी टर्मिनल एन टर्मिनल एंड पर पॉजिटिव चार्ज है और सी टर्मिनल एंड पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि अल्फा हेलिक्स के एन टर्मिनल और सी टर्मिनल पर कैसे अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ये भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स का हिस्सा होगा। तो किसी भी अल्फा हेलिक्स में यदि एन टर्मिनल एंड पर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं तो वो स्टेबलाइज होगा, उसी तरह यदि उसके सी टर्मिनल पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है तो स्टेबिलिटी होगी, जबकि यदि अपोजिट करें एन टर्मिनल पर पॉजिटिव और सी टर्मिनल पर नेगेटिव तो ये डिस्टेबलाइज होगा। एक ये भी स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
यहां पर मैं एक अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और जिसकी अमाइनो एसिड है एलेनिन। तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ग्लाइसिन और प्रोलीन के बारे में। यदि हम एलेनिन की बात करें तो इस अमाइनो एसिड की हाईएस्ट टेंडेंसी है। टेंडेंसी कहें या मैं इसको कह सकता हूं प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स। एक ऐसा अमाइनो एसिड है एलेनिन जिसकी सबसे ज्यादा हेलिक्स बनाने की प्रोपेंसिटी है, सबसे ज्यादा इसका झुकाव हेलिक्स बनाने के लिए। अभी तक हम लोगों ने ग्लाइसिन और प्रोलीन को ब्रेकर कहा, अल्फा हेलिक्स को ब्रेक करा देते हैं यदि ग्लाइसिन और प्रोलीन आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अमाइनो एसिड ऐसा भी है जिसे हम लोग एलेनिन के नाम से जानते हैं, इसकी सबसे ज्यादा प्रोपेंसिटी है, इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है अल्फा हेलिक्स बनाने की। तो यदि हमसे कभी ये पूछा जाए हाईएस्ट टेंडेंसी किसकी है तो वो एलेनिन की है। CSIR में भी यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रोटीन में एलेनिन के 21% को हमने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे अमाइनो एसिड से। तो यदि किसी पॉलीपेप्टाइड में एलेनिन का नंबर हम कम कर देंगे, उनकी जगह दूसरे अमाइनो एसिड्स लगा देंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि अब क्या होगा, हेलिक्स होगा या नहीं होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कंटेंट क्या होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है यदि हेलिक्स की प्रोपेंसिटी सबसे ज्यादा है, एलेनिन की प्रोपेंसिटी सबसे ज्यादा है हेलिक्स बनाने के लिए, तो जब प्रोलीन का अमाउंट ज्यादा होगा तो हेलिक्स भी बनने के चांस ज्यादा होंगे, हेलिक्स का भी कंटेंट ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोलीन को कम करते जाएंगे तो हेलिक्स बनने की जो टेंडेंसी है वो भी कम होती चली जाएगी। तो इसका रिलेशन प्रोलीन से है, तो प्रोलीन के पास सबसे ज्यादा प्रोपेंसिटी है अल्फा हेलिक्स बनाने की। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा यदि एलेनिन की सबसे ज्यादा प्रोपेंसिटी है, प्रोलीन और ग्लाइसिन की तो है नहीं, और अलग अलग अमाइनो एसिड की अलग अलग प्रोपेंसिटी है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या सभी अमाइनो एसिड की प्रोपेंसिटी अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए सेम है? तो ऐसा नहीं है, कहीं पर हम लोग कह रहे हैं वो ब्रेकर है और कहीं पर कह रहे हैं इसकी हाईएस्ट प्रोपेंसिटी है। तो हर एक अमाइनो एसिड की अल्फा हेलिक्स बनाने की प्रोपेंसिटी अलग अलग है। उनमें से हम लोगों ने दो को ब्रेकर में उनको पढ़ लिया और सबसे ज्यादा किसकी है एलेनिन की, उसको लिख लिया। ये ऐसा सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के साथ है। कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं और कुछ अदर टाइप में कुछ अलग तरह के ज्यादा होते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बीटा टर्न की बात करें तो वहां ग्लाइसिन और प्रोलीन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा यदि टेंडेंसी है अल्फा हेलिक्स बनाने की वो किसकी है, एलेनिन की। तो ये अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करने वाले भी फैक्टर हैं और इंड्स का भी ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट में आते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि हमें कोई पॉलीपेप्टाइड का अमाइनो एसिड सीक्वेंस दे दिया जाए, हम एक सीक्वेंस अमाइनो एसिड का दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या ये पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन एडॉप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हमें दी गई पॉलीपेप्टाइड में क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड दी गई है और प्रिडिक्ट करना है क्या वो अल्फा हेलिक्स बनाएगी या नहीं बनाएगी। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, एक स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि अल्फा हेलिक्स बनेगा या नहीं बनेगा, मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पर मैंने तीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिखे हैं तीन पेप्टाइड से, और मैं यहां पर यह क्वेश्चन करता हूं कि इन तीनों पेप्टाइड्स में कौन सी ऐसी पेप्टाइड है जो इजिली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट कर लेगी और बाकी दोनों के कंपैरिजन में किसकी सबसे ज्यादा प्रोपेंसिटी है अल्फा हेलिक्स को एडॉप्ट कर, अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन को एडॉप्ट करने की, और कौन सी पेप्टाइड है वो अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन एडॉप्ट नहीं कर पाएंगी, और यदि नहीं कर पाएंगी तो क्यों कर पाएंगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, एक दो बार पूछे भी गए हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे
वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस पॉइंट को लेकर के। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हों जहां पर आपको पेप्टाइड सीक्वेंस देख करके ये पता करना है वो अल्फा हेलिक्स अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो बहुत बेसिक से आप शुरुआत करें। मैंने स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के बारे में आपको बताया है, आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करें क्या उस पॉलीपेप्टाइड में कहीं ब्रेकर अमाइनो एसिड्स तो नहीं है, अर्थात ग्लाइसिन और प्रोलीन तो नहीं है। चलिए पहले को चेक करते हैं, यहां पर कहीं पर भी ग्लाइसिन और प्रोलीन नहीं है, ये पहला पॉइंट था, सबसे बेसिक पॉइंट। सबसे पहले आप पेप्टाइड में चेक करें कहीं ग्लाइसिन और प्रोलीन तो नहीं है, तो नहीं मिला। दूसरा पॉइंट आपको यह चेक करना है कि कहीं पर एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन तो नहीं प्रेजेंट, एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे यहां पर सेरीन है, एक साथ रिपीट नहीं हुए, एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन एक साथ रिपीट नहीं हुए। तीसरा पॉइंट आप ये देखिए कहीं एक साथ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं पर भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रिपीट नहीं हुए। इसके बाद हम देख सकते हैं कहीं नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी रिपीट नहीं हुआ है पहली पेप्टाइड में। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है एंड पर, ये इसका सी टर्मिनल एंड है और ये इसका एन टर्मिनल एंड है। मैं यहां पर लिख रहा हूं तो आप ये अंडरस्टूड है, पेप्टाइड को हमेशा लेफ्ट से राइट लिखते हैं। एक फैक्टर यह था कि यदि किसी भी पेप्टाइड के सी टर्मिनल एंड पर यदि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं और एन टर्मिनल पर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं तो अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को सपोर्ट करेगा। जरा देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये पॉलीपेप्टाइड एक आइडियल सीक्वेंस हो सकता है जो अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को अडॉप्ट कर सकता है। चलिए दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे में यदि हम लोग आते हैं ये पॉलीपेप्टाइड के अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो जब मैं बेसिक से बोल रहा हूं वैसे तो हम लोग एक साथ सारे फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप पहले चेक करें कहीं ग्लाइसिन प्रोलीन तो नहीं है, तो यहां पर कहीं ग्लाइसिन प्रोलीन तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर दूसरे पॉइंट में आपको देखना है कहीं सेरीन, एस्पराजीन और ग्लूटामिन तो नहीं है, तो देखिए सेरीन, एस्पराजीन, ग्लूटामिन और सिस्टीन, तो यहां पर ये तीन अमाइनो एसिड का ब्लॉक आ रहा है जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहां के यंग टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है और सी टर्मिनल पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब दो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, एक तो एक साथ कुछ अमाइनो एसिड डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स वाले अमाइनो एसिड्स का रिपीट होना और दूसरा टर्मिनल पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें चार्ज अमाइनो एसिड्स का, अपोजिट चार्ज अमाइनो एसिड्स का प्रेजेंट होना। जैसे सी टर्मिनल पर होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज लेकिन है निगेटिवली चार्ज, उसी तरीके से एन टर्मिनल पर होना चाहिए निगेटिव चार्ज, यहां पर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये पेप्टाइड अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। और इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे में, इसमें भी वही फैक्टर्स हमें चेक करने हैं। यहां पर देखिए एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एन टर्मिनल पर चलिए ठीक है, सी टर्मिनल पर देखें तो लाइसिन और आर्जिनिन ये भी ठीक है। यदि हम देखें एस्पराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन नहीं है लेकिन प्रोलीन और ग्लाइसिन को और देखना है, तो यदि हम बीच में आए तो देखिए ये प्रेजेंट है प्रोलीन और प्रोलीन सपोर्ट नहीं करता है अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को, तो ये पेप्टाइड भी अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन अडॉप्ट नहीं करेगी। तो सबसे जो आइडियल पेप्टाइड है वो पहली है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ फैक्टर्स अप्लाई करके हम किसी भी पेप्टाइड के बारे में ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है अल्फा हेलिक्स के बारे में, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उन पर किसी और टॉप और डेट में हम लोग वीडियो बनाएंगे और उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।